हम लोग कभी ना बटे ना कटे, ये तय है कि जब जब हम बटते हैं तब तब हर गली नुक्कड़ पर कटते हैं, और जब तक हम एक होते हैं हम सुनामी के जैसे वेग होते हैं। या अकाल मृत्यु वो मरे काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो करोड़ों महाकाल के भक्त आपको भगवाधारी दिखेंगे और भोले के जय घोष के साथ आगे बढ़ते भी दिखेंगे, मगर मैं कहूँगा कि आप निसंदेह कावड़ पर आए, आपका स्वागत है। मैं स्वयं करूंगा आपको कई जगह पर स्वागत। आप कावड़ लेकर जाते हैं, मैं आप हर व्यक्ति से पूछ रहा हूं जो वर्तमान इस वीडियो को देख रहा है, आप कावड़ लेकर जाते हैं, आप भोले के वस्त्रों में होते हैं और आप मात्र भोले होते हैं। नवीन बाबू हृदय पर हाथ रखकर बताइए, आपने कभी देखा जाट भोला, गुजर भोला, ब्राह्मण भोला, बनिया भोला, यादव भोला, कुर्मी भोला, कभी देखा? नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। सावन का महीना शुरू हो चुका है, भोलों के जयकारों से हर जगह इस वक्त मंत्रमुग्ध लोग हो चुके हैं। जगह जगह पर भोले भोले नजर आ रहे हैं और भगवान शिव के जयकारे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी दीपांकर जी महाराज मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार सावन का ये महीना कितना ज़्यादा अलग है। हर बार की तरह फिर से ये दिन आया, ये मौसम आया, कैसे इसको देखते हैं, इस बार क्या संदेश है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। बहुत धन्यवाद नवीन भैया। आखिरकार सावन का ये महीना आ चुका है, इंतज़ार बहुत रहता है हर किसी को, हर भोले भक्त को। इस बार आप कैसे इस महीने को देख रहे हैं, क्या संदेश इस बार आप देना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस बार जो कावड़ का टाइम है, ये जो सावन का टाइम है, अच्छा सोचिए कि पहले जो सावन आता था वो महीना भर होता था, इस बार का सावन ज़्यादा है। इस बार सोमवार अधिक पड़ रहे हैं हर उस साधक के लिए जो महादेव की भक्ति में स्वयं को डुबो देना चाहता है। मैं समझता हूँ कि कभी आप घर पर जब बकेट में जल लेते हैं तो ऊपर उठाकर फेंकते हैं तो वजन होता है, मगर जब गंगा में डूबते हैं तो कितना गैलन पानी ऊपर से उतर जाता है पता नहीं लगता। तो इस बार का श्रावण डूबने का है, भोले की साधना में, भोले के भाव में, भोले के अध्यात्म में। या मैं ये कहूँ कि अकाल मृत्यु वो मरे काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो करोड़ों महाकाल के भक्त आपको भगवाधारी दिखेंगे और भोले के जय घोष के साथ आगे बढ़ते भी दिखेंगे, मगर मैं कहूँगा कि आप निसंदेह कावड़ पर आए, आपका स्वागत है। मैं स्वयं करूंगा आपको कई जगह पर स्वागत, मगर मैं चाहूंगा कि इस बार कावड़ पर, कावड़ जिस भी उद्देश्य से लेकर जाएं, फोकस लक्ष्य वही उद्देश्य रहे, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आँख, आपका निशाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। और बाबा की भक्ति, नशे से अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि कई भोले कई सालों से अपना जीवन खो चुके हैं। एक सन्यासी होने के नाते मेरी भिक्षा है आपसे कि अपने आप को खोइएगा नहीं, सुरक्षित घर तक कावड़ लेकर जाइएगा और महादेव पर जल चढ़ाइएगा। श्रावण अधिक है, खूब साधना करिएगा। सोमवार अधिक है, खूब उपवास रखिएगा, महादेव की खूब साधना करिएगा, और कहीं आवश्यकता हो तो आप लोगों का चैनल मदद सोलाना करेगा। अब रही बात कावड़ की, आप कावड़ लेकर जाते हैं, मैं आप हर व्यक्ति से पूछ रहा हूँ जो वर्तमान इस वीडियो को देख रहा है, आप कावड़ लेकर जाते हैं, आप भोले के वस्त्रों में होते हैं और आप मात्र भोले होते हैं। नवीन बाबू हृदय पर हाथ रखकर बताइए, आपने कभी देखा जाट भोला, गुजर भोला, ब्राह्मण भोला, बनिया भोला, यादव भोला, कुर्मी भोला, कभी देखा? नहीं। सिर्फ भोला भोला होता है। तो जब हम आम जीव आप 10 दिन 15 दिन भोला हो सकते हैं तो जीवन पर्यंत हिंदू क्यों नहीं? ये वक्त है कावड़ पर संकल्प लीजिएगा कि कावड़ के बाद हिंदू होकर रहेंगे, बटेंगे नहीं। और हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। एक सनातन, एक हिंदू और एक भारत। धन्यवाद महाराज जी। आपकी भिक्षा यात्रा भी अभी चल रही है, उसे लगभग 200 दिन से ज़्यादा हो गए, और अभी हमने देखा जो मुहिम आपने शुरू की थी सबको जोड़ने की, जातियों में जो बटे हुए लोग हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जाति आपस में लगातार भिड़ती नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि इनको दूर किया जाए। और जो आपने ये हिंदू शब्द था, कई लोगों की गाड़ियों के पीछे, उनके शीशों पर, उनके घरों में, हमने अब ये देखा, आपको लगता है कि जो आपने जो यात्रा जिस संकल्प के साथ निकाली है वो पूर्ण हो रहा है? ये आपको एक छोटे से वाक्य से ख़त्म करता हूँ। जब पहली बार भैया हम लोगों ने अपनी गाड़ी के पीछे हिंदू लिखवाया तो बहुत सारे लोगों ने हमको बड़ी अलग दृष्टि से देखा, बोले क्या सोच रहे हैं महाराज जी कि हिंदू लिखवा कर क्या करना चाहते हैं। हम एक यात्रा में देहरादून गए तो हमारी गाड़ी के पीछे से स्टिकर तक किसी ने उतार दिया हिंदू का।
मगर वहाँ बाहर निकल कर कहा कि स्टीकर कार से उतार सकते हो, हिंदू शब्द को हमारे हृदय से नहीं मिटा सकते। तो हिंदू तो हमारे दिल में, और मुझे आज भी वो शब्द याद है स्वामी विवेकानंद का कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर, सेक्युलर होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व है। तो निसंदेह आई एम अ प्राउड हिंदू। जब तुलसी गबाड़ अमेरिका की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कैंडिडेट कह सकती है, तो स्वामी दीपांकर देवबंद में होकर क्यों नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, और मुझे आज भी वो पंक्ति याद है कि हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय, तो मेरा परिचय हिंदू है और मैं हिंदुत्व हूँ, और हिंदू से हिंदुत्व अलग किया नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे ये फल है, इस फल से आप इसके रस को अलग नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही हिंदू से हिंदुत्व को अलग नहीं कर सकते, सूरज से उसकी किरणों को अलग नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही हिंदू से हिंदुत्व को अलग नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति से, व्यक्तित्व से, आमोखास से बस इतना सा निवेदन है, आपका एक मिस कॉल हमारी आइडेंटिटी को पुख्ता कर सकता है, जोड़ सकता है। इसीलिए ए मिशन टू यूनाइट सनातन, जोड़ना है तोड़ना नहीं। बुद्ध कहते थे कि टहनी को तोड़ सकते हो, बोले जोड़ सकते हो तो फिर उसके बाद जो मुझे दंड देना चाहो तो सही। तो जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। और जब जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। तो ये यात्रा सबको जोड़ने की, समग्रता की, यूनाइट करने की, और जातियों में बटे सनातन को एक करने की है। और हम लोग कभी ना बटे ना कटे, ये तय है कि जब जब हम बटते हैं तब तब हर गली नुक्कड़ पर कटते हैं, और जब तक हम एक होते हैं हम सुनामी के जैसे वेग होते हैं। मात्र कैमरे पर देख करके बात को ख़त्म मत करिएगा, एक मिल ये आपकी एक मिस कॉल इतिहास रचेगी। जैसे यूसीसी जरूरी है ना, ठीक वैसे ही एक हिंदू होना, एक सनातनी होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोगों की कमजोरी क्या है कि हमको कास्टिज्म में डिवाइड कर दिया जाता है। और दुखद यह है कि कास्ट शब्द भी हमारा नहीं है, ये भी पुर्तगीज भाषा का लिया है। तो जब कास्ट शब्द हमारा नहीं तो बचा क्या, राष्ट्र। तो सनातन के लिए राष्ट्र, हिंदू होना, हिंदुत्व को जीना सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ उन 75 लाख लोगों से जो आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, या करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, आज आप एक होकर अपनी पहचान और अपने स्वाभिमान को दिखाने की आवश्यकता है। महाराज जी, एक सवाल ये भी है, जिस देवबंद में है, इसी देवबंद में अभी ये तो सावन का महीना चल गया, लेकिन इससे पहले हमने देखा कुछ ही दिनों पहले जब ये भी कहा गया कि शिव और अल्लाह तो एक हैं, इस तरह की बात इसी देवबंद के लोगों ने की, यहाँ के मौलानाओं ने की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये आखिरकार इस बात से उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? मैं समझता हूँ कि अ लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। शिव को कैसे किसी के साथ जोड़ा जा सकता है? महादेव महादेव है ना, जिसका आदि है ना जिसका अंत है, वही अनंत है और वही सर्वत्र है। तो मैं समझता हूँ कि उसको किसी के साथ कंबाइंड करना, किसी के साथ यूनाइट करना, किसी के साथ जोड़ना एक भद्दा मजाक हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मजाक से बचना चाहिए, कभी कभी कुछ गंभीर लोग मजाक अच्छा नहीं समझते। धन्यवाद दादा। तो स्वामी दीपांकर जी महाराज, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा और सावन का ये महीना है, आप भी अपना अच्छे तरीके से जाइएगा, जल चढ़ाइए और नशे से दूर रहिए, यही हमारी भी अपील है। और लगातार जुड़ रही है ब्लाइंड्स इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। बेबाक नमस्कार।